एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा नाम अनुराग चोपड़ा है, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग फिजिक्स में है। सो ये कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? सर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। इसके पहले इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए? नहीं, ये मेरा फर्स्ट ही मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था। ओके, सो आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है सर? मेरा मीडियम इंग्लिश है एंड मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा सर? अच्छा रहा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था, यूनिक था काफ़ी, कॉर्डियल थे बोर्ड्स। मतलब ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपसे? क्वेश्चन मतलब जो करंट अभी चल रहा है उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए मेरे से, जैसे माइग्रेशन का इशू रहता ही है दिल्ली में, उसका पॉल्यूशन से रिलेटेड पूछा गया, एंड डिसइन्वेस्टमेंट जो कर रही है गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग, एंड कुछ पॉलिसीज जो हेल्थ की रहती हैं, एजुकेशन की रहती हैं, उससे उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा, एंड मतलब कुछ ऐसा आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट नहीं लगा। ओके, और डैप से रिलेटेड क्या कुछ भी नहीं पूछा गया मेरे से, डैप से रिलेटेड तो कुछ ज़्यादा पूछा नहीं गया मुझसे। ओके, सो डैप के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी करी थी? जो जो वर्ड्स हैं मतलब डैप के अंदर, एक एक वर्ड को मैंने कोशिश किया था कि उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करूं, 10 to 12 क्वेश्चन मैंने सबके 20 अराउंड 10 to 20, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं था। हाँ, तो आई ट्राइड कि उतना मैं एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड हो गया है, जो करंट चल रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली के बारे में भी आई ट्राइड कि थोड़ा सा उस पर नॉलेज रखूँ, तो ये सब मैंने कोशिश करा। ओके, सो आपने मॉक इंटरव्यू दिए होंगे सर, मॉक इंटरव्यू किस प्रकार से हेल्पफुल लगे आपको? मॉक इंटरव्यू हेल्पफुल थे क्योंकि वो एक्चुअली आपको एनवायरनमेंट का थोड़ा बता देते हैं कि किस तरह से एनवायरनमेंट होगा, थोड़ा सा डर निकल जाता है। हेल्पफुल तो देखो लगे मेरे को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनसे बिल्कुल बॉक डाउन हो जाओ, क्योंकि मेरे को शुरू में फंस दिया था तब तो मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे होता है, तो मतलब वो तो ऐसे ब्लंडर टाइप ही गया, लेकिन फिर समझ आया। उससे आप लर्न कीजिए कि क्या है, कि आप किस तरह से पूछते हैं, आप आंसर दे रहे हैं, जैसे कुछ मेरे को बताया, क्योंकि ना मेरी आदत थी मैं एक ही तरफ देखने लगता था, सिर्फ एक ही मेंबर को, बट उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इधर उधर भी देखिए, उनको भी इंगेज कीजिए, तो मैंने आई ट्राइड दिस थिंग इन आगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी बहुत सारे कोर्सेस लाते हैं, चाहे यूपीएससी की बात करें या फिर किसी और एग्जाम्स की। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन। और गाइस, अभी अनअकैडमी के जो भी सब्सक्रिप्शन है अभी उन पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है 20% का। सो अगर आप 2022 के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो ले सकते हैं, 23 के लिए प्लान कर रहे हैं, फिर उसके बाद के लिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे वो 12 महीने वाला हो, 18 महीने वाला हो, या फिर 24 महीने वाला, या फिर 36 महीने वाला, सभी पर अभी 20% का हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और डिस्काउंट के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट के बारे में, जहां पर आप जीत सकते हो बहुत सारे अमेजिंग गैजेट्स एंड रिवार्ड्स, जिसकी कीमत है 10 करोड़ तक। साथ ही गाइस, मैं अगर मैं बात करूँ जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे, सबसे फर्स्ट रैंकर होगा उसको मिलेगा मैकबुक एयर, सेकेंड रैंकर होगा उसको मिलेगा आईपैड, एंड जो थर्ड रैंकर होगा उसे सैमसंग का मोबाइल मिलेगा। साथ ही जो 500 लकी पार्टिसिपेंट होंगे उनको 10,000 तक के अमेजॉन गिफ्ट्स वाउचर्स मिलेंगे। सो गाइस, ये जो कॉम्बैट है, अल्ट्रा कॉम्बैट है, वो 22 मई को होने वाला है सुबह 11 बजे से। इसमें टोटल 56 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 60 मिनट्स में करने होंगे, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे। सो फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे मैं आपको बता दूं अनअकैडमी डेली टेस्ट सीरीज़ के बारे में, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से एवेल्युएट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यहां पर आप जीत सकते हो अप टू 15% स्कॉलरशिप ऑन योर सब्सक्रिप्शन। साथ ही आप अपने आप को चेक कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एवेल्युएट कर सकते हो यहाँ पर इस टेस्ट के जरिए। सो इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगेन मैं आपको कॉम्बैट का याद करवा दूँ, 22 मई को है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें फ्री में एनरोल होने के लिए। देखा रहा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जैक्टली नहीं आ रहे होते हैं, मेरा रफ आइडिया होता है, तो उनको कैसे आंसर देने का ट्राई किया था? देखो, इतना मेरे माइंड में क्लियर था कि कुछ नहीं आता तो सीधा बोलूँगा नहीं आता, क्योंकि क्या होता है अगर आप गेस करते हो ना अगर, तो उसी पे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछेंगे, काउंटर क्वेश्चन भी पूछेंगे, और फिर आपका वो इंटरव्यू वो गलत होने के, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ना दे टोल्ड मी अगर आपको नहीं आता तो आप क्लियरली बता दीजिए कि नहीं आता, राइट? तो मैंने वही कोशिश करी। ओके, सो सर जो मॉक इंटरव्यू होता है और सर जो ये इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपको क्या डिफरेंट लग रहा है? ऐसा कुछ डिफरेंट मैं आई एम नॉट एबल टू थिंक, मतलब अभी मेरे को लग तो नहीं रहा ऐसा, बट ठीक है, मेरे तो दोनों मॉक्स ही, मतलब मैंने 2-3 ही दिए थे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। हाँ, तो ठीक था, जितना उनसे लर्निंग मेरे को पता था, मेरे को क्या चाहिए मॉक्स से, मेरे को चाहिए था मैं थोड़ा आदत हो जाए कि किस तरह से जाके ग्रीट करना है, किस तरह से आंसर करना है क्वेश्चन को, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू लर्न दिस, उनसे मैं क्वेश्चन या ये सब नहीं कर रहा था, मैं अपना मेरे को पता था कि मेरे को क्या प्रिपेयर करना है, राइट? ओके, सो सर बात की जाए जो गैप मिलता है मेंस के बाद, जो इंटरव्यू का गैप मिलता है, तो उस प्रकार उस टाइम पे आप किस प्रकार से इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे? मैं न्यूज़पेपर पढ़
रहा था, न्यूज़पेपर मैंने कंटिन्यूअसली कोशिश करा पढ़ने का, एंड उसके अलावा थोड़ा सा वीडियो बना के अपनी मैं देख रहा था कि मैं किस तरह से बोल पा रहा हूँ, वेदर आई एम एबल टू एक्सप्रेस और नॉट, बहुत जल्दी तो नहीं बोल रहा, तो आई वॉज ट्राइंग टू चेंज मेक दोज चेंजेस इन द डिलीवरी ऑफ माई स्पीच एज वेल एज माई एक्सप्रेशन. सो आपको अपनी प्रिपरेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन से लगते हैं? Consistency and थोड़ा डिसिप्लिन हूँ, बस यही दो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है. और वीकेस्ट क्या लगे सर? वीकेस्ट तो यार यही है, बस थोड़ा सा कभी कभी हेल्थ निगलेक्ट हो जाती है इस चक्कर में ना, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो उतना हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता. राइट. तो पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग करने के लिए क्या करते हो सर आप? पर्सनैलिटी को ग्रूम, यार ये पर्सनैलिटी ना बचपन से ही बन रही होती है. right. कोशिश करो कि थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो रेगुलरली, उसको थोड़ा सा मिरर के सामने बोलने की कोशिश करो कि आप क्लियरली बोल पा रहे हो, अपने वर्ड्स ठीक से बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे, रिस्पेक्टफुल रहो. right. मतलब इस ड्यूरेशन में कोशिश करो कि क्योंकि वहाँ पे भी आपको बोर्ड को रिस्पेक्ट दिखानी है और थोड़ा सा हम्बल रहना है, तो ट्राई टू, अगर आपके पेरेंट्स हैं दोस्त हैं उनके साथ कोशिश करो कि ये सब क्वालिटीज आ जाए. ओके, सो आपका ये फोर्थ अटैम्प है सर, और फोर्थ अटैम्प डेफिनेटली आपने फोर बार प्रीलिम्स दिया होगा, तो सर प्रीलिम्स के लिए आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, और लास्ट के जैसे अभी ये कुछ टाइम बचा है 2 महीने बाद है, तो उसके लिए नॉर्मली क्या करना चाहिए? देखो मेरा नहीं हुआ पिछले 3 बार, तो मैं बिल्कुल ठीक बंदा नहीं हूँ बताने के लिए. हाँ. लेकिन इस बार जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मेरे को पता था कि मेरे को मॉक्स ज़्यादा देने हैं, तो मैंने अराउंड 40-45 मॉक्स या फिर उससे ज़्यादा भी दिए होंगे, क्योंकि मेरे को पता था कि एक ये आपको जानना ज़रूरी होता है कि आपका गेस वर्क कितने पे क्वेश्चन पे होता है, मतलब एक क्या ऑप्टिमम नंबर है जिस पे आपका गेस वर्क काम करेगा. कईयों को होता है वो कोशिश करेंगे कि 95 कर लें, कईयों को होता है एक्यूरेसी जिनकी बहुत अच्छी है वो 70-75 में भी अच्छा कर लेते हैं, तो दैट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो उसमें आपके मॉक काफ़ी हेल्प करते हैं. और एक मटेरियल को मैंने इस बार 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 रिवाइज करा, मतलब पहले मैं क्या करता था कि सोचता था यहाँ भी पढ़ लूँ वहाँ भी पढ़ लूँ, मतलब वो मेरी पुरानी आदत थी, लेकिन फिर उसको मैंने इस बार कंट्रोल करा और एक ही चीज़ को उसी को बार बार पढ़ा. ओके, सो मेंस जब आपको देना होता है तो मेंस के टाइम पे आप किस प्रकार से तैयारी करते हो, क्या स्ट्रेटजी होना? यार मेंस के लिए ना थोड़ा सा प्रीलिम्स से डिफरेंट रहती है स्ट्रैटेजी वहाँ पे, क्योंकि आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत मैटर करती है. ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना कंटेंट आता है, और उसके अंदर कुछ ना थोड़ा वैल्यू एडिशन भी करना ज़रूरी होता है. आपने प्रीलिम्स के लिए तो जो पढ़ा वो तो आपका बेस बनता है, नो डाउट, ठीक है उसका आपका बन गया, लेकिन मेंस में ना क्लियरली डिफाइंड सिलेबस है, तो आप सिलेबस पे कोशिश कीजिए कि हर से रिलेटेड एक थोड़ा इंट्रोडक्शन, वो कुछ भी हो सकता है इंट्रोडक्शन में, जैसे आपका डेटा हो गया या फिर करंट एग्जांपल हो गए जो न्यूज़ में चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. बॉडी के अंदर आप क्या कीजिए, अपना उसके अंदर हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट कोशिश करिए, या फिर एक स्वॉट एनालिसिस होता है कि हर चीज़ का कोई भी इशू है ना उसका स्ट्रेंथ देखो, कि मतलब इस इशू का स्ट्रेंथ क्या है, इसमें वीकनेसेस क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, हम आगे क्या कर सकते हैं और थ्रेट क्या है इसमें, मतलब तो आई ट्राई टू डू दिस थिंग, मतलब इस बार मैंने थोड़ा ये कोशिश करी. और कंक्लूजन में पता क्या होता है, मतलब थोड़ा सा उसका मैं बता ही देता हूँ कि उसके अंदर ना जो कमिटीज़ की रिपोर्ट होती है ना किसी भी मैटर से रिलेटेड, जैसे हेल्थ हो गया या एजुकेशन हो गया, तो वो कमेटी आप कोशिश करिए कि उसकी आप बेसिक रिकमेंडेशन लिख लें कहीं पर, वो आपको हेल्प करेगा. ओके, सो सर जो गैप मिलता है प्रीलिम्स के बाद मेंस का, उस टाइम पे क्या करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपने एक बार सिलेबस पढ़ भी रखा होता है, फिर मेंस के लिए क्या करने की कोशिश करते हो वो कम टाइम में? यार इसमें तो मैंने यही कोशिश करी थी कि मैं कुछ नया ना पढ़ूँ, मतलब कोशिश मैंने यही की थी, और पढ़ना भी था ना तो मेरे को, तो मैंने एक डेडलाइन फिक्स कर ली थी कि 15 दिन में इतना जितना पढ़ लिया पढ़ लिया, अब इसके आधा और नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये ट्रैप है. आप जितना आपको लगता है ना, आपको लगे मैं और पढ़ लूँ, नहीं, जितना चल रहा है उसी को आप पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, जितना आपने नोट्स बनाया उसको बार बार रिवाइज करो, और मॉक्स थोड़े दे दो, मतलब एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ मॉक्स दीजिए, उससे ना आपको पता लगेगा आपकी, मतलब मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. और कुछ मॉक्स अच्छा भी बताते हैं, टीचर सजेस्ट करते हैं कि आपकी राइटिंग गलत आ रही है या आप डायग्राम ठीक नहीं बना रहे, तो ये सब चीज़ें. और थोड़ा सा टॉपर्स की कॉपी देखिए, मतलब इस कम टाइम में मैंने थोड़ी सी टॉपर्स की भी कॉपी देखी थी, तो दीज थिंग्स हेल्प मी. ओके, सो सर जो आपका ऑप्शनल है सर, वो ऑप्शनल किस प्रकार से हेल्पफुल रहा और ऑप्शनल की तैयारी कैसे? सर ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी है, मुझे हेल्पफुल इस मामले में रहा कि थोड़ा सा मेरा सोसाइटी से रिलेटेड थोड़ा पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो गया, और थोड़ा ओवरलैप भी है उसका, जैसे GS के पेपर 1 में आपका सोसाइटी, पेपर 2 में भी कुछ पार्ट होते हैं सोशल इश्यूज, एंड ऐसे में भी आप यू कैन यूज़ दोज कॉम्पोनेंट्स, और इवन इंटरव्यू में भी यार मतलब सोशल इशूज़ के अराउंड मेरा चल रहा था, तो आई थिंक दैट हेल्प मी, मतलब सोशियोलॉजी का. और मैंने उसकी कोचिंग तो मैंने सच कहीं से ली नहीं, बट मैंने ये किया था कि उसकी ना टेस्ट सीरीज़ ली थी, टेस्ट सीरीज़ ने मेरे को हेल्प करा थोड़ा. ओके, तो सर बात की जाए जैसे कि इंटरव्यू होता है, तो क्या इंटरव्यू के लिए आप पहले से तैयारी कर रहे थे जब आप प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे थे? नहीं, मैं कुछ ऐसे कर नहीं रहा था, ऐसे कुछ नहीं कर रहा. तो टाइम आप कैसे मैनेज कर रहे थे, या फिर टाइम टेबल क्या बनाते हो पढ़ने के लिए नॉर्मली?
यार मैं मतलब जॉब कर रहा हूँ तो उतना टाइम मुझे मिलता नहीं है, बट जब टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि डेडिकेटेडली पढ़ूं। सर आप लास्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे चुके हो, तो उस टाइम पर क्या कमियाँ रह रही थी, आपका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा था सर? रिविजन, मतलब एक तो मैं यही कहूँगा कि प्रीलिम्स में तो रिविजन इज द की, और थोड़ा सा उसके अंदर ये रहता है कि आपका ना वाइड होना चाहिए परस्पेक्टिव, उसमें सिर्फ आप एक ही चीज़ को नहीं, थोड़ा सा अगर हो सके ना तो करंट का न्यूज़पेपर एक तो रेगुलरली पढ़िए, चाहे उसके नोट्स बनाने, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाया टू बी ऑनेस्ट, बट कई लोग बनाते हैं उनको सूट करता है, बट मेरे को एक सुनने आईएएस की बुक ने उसने बहुत हेल्प करा, तो अगर उसका आप क्विकली अगर देख लें तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ओके, सो अपने आप को स्टे मोटिवेट रखने के लिए सर क्या करते थे आप? मेडिटेशन करता था मैं, उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन, और अपने आप को यू कैन इमेजिन योर सेल्फ ऑल्सो कि आप जो बनना चाहते हैं, कोई भी कोर्स जो पाना चाहते हैं, तो दीज टू थिंग्स आई यूज्ड टू डू। ओके, सो सर अगर बात की जाए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टॉपर्स को फॉलो करते हैं, फिर कोई सीनियर ऑफिसर या कोई किसी का नंबर मिल जाता है, फिर सीनियर का गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, तो ये गाइडेंस क्या सच में हेल्पफुल करती है या फिर आपने ली है किसी से? हाँ, ये हेल्पफुल तो रहती है, मतलब क्योंकि आपका ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि यू टेन टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, आप फिर से कोई व्हील को फिर से इन्वेंट करने की कोशिश री इन्वेंट नहीं करते, रदर जो उनकी गलतियों से आप सीख के उसी को इनकॉर्पोरेट, क्योंकि टाइम कम होता है ना, देखिए मतलब हर स्टेज में आपको पता ही, प्री के बाद मेंस में, मेंस के बाद इंटरव्यू में उतना टाइम मिलता नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि उन्हीं से थोड़ा बहुत देखें और शुरू में एक बार देख लीजिए। आई डोंट थिंक बार बार आप मैं कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहें, शुरू में ही एक स्ट्रैटेजी बना लो कि मेरे को करना है, मेरे इतना ही मटेरियल रहेगा, कर लो, और उसके बाद ना ये मत आदत डालो कि मैं कहीं और से और कुछ मटेरियल पढ़ लूँ, ये थोड़ा रहता है, तो उसको अवॉइड करें। सर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अगर मेंस में बात करें ऐसे और एथिक्स का, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा ऐसे अच्छा नहीं रहा, एथिक्स अच्छा नहीं रहा, तो उसके लिए आपने क्या किया था सर? एक तो ऐसे का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब आजकल फिलोसफिकल ऐसे वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ना एक्चुअली बंदे की पर्सनालिटी समझ आती है, सिर्फ नॉलेज ही वहाँ पे टेस्ट नहीं होती, वहाँ पे आपको दिखता है कि आप किस इस मैटर के बारे में क्या फील करते हैं, राइट। तो उसका तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा आप ना मॉक टेस्ट दीजिए, उसके अंदर जो सोल्यूशन बता रहे हैं ना कि किस तरह से अप्रोच करना, उसकी भी एक थोड़ी अप्रोच करने का एक स्ट्रेटेजी एक फिक्स होती है, ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ पर सब कुछ ही नया कुछ ट्राई कर रहे हैं जाके, वैसा नहीं है, तो थोड़ा सा उसी को ही आप देखिए, और थोड़ा ना सीनियर्स कईयों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं ऐसे में, उनके आप आंसर देखिए कि वो किस तरह से अपना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से पैराग्राफ को लिंक करते हैं ऐसे में, किस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं, थोड़ा सा एक अनुदीप दुरी शेट्टी की एक बुक है, उसमें आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी ऐसे के लिए। और एथिक्स के लिए तो देखिए मैं यही कहूँगा कि उसके लिए एक बुक पकड़ो, बस एक सोर्स अपना, उसका सबसे मिनिमम जो आपको सबसे छोटी बुक में यही कर रहा था, छोटी बुक पकड़ी, उसे को मैंने बार बार 3-4 बार रिवाइज करा, और केस स्टडीज़ में ना आपका एक पैटर्न फिक्स होना चाहिए कि मैं इस हिसाब से केस स्टडी करूँगा, और किस तरह से एक, क्योंकि केस स्टडीज़ के भी ना टाइप होते हैं और टाइम बहुत कम होता है, सिर्फ 11 या 12 मिनट ही मिलते हैं केस स्टडीज़ करने के लिए, और पेपर बहुत लेंदी होता है टू बी ऑनेस्ट, इस बार भी था, तो उसको आप कोशिश करिए कि मैं एक पैटर्न बना रखा है कि मैं यही सॉल्यूशन दूंगा, राइट। सो आपको ऐसा क्या आपने मेंस में अलग किया था जो बाकी लोग इंटरव्यू के लिए नहीं आए, आप आए, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप अलग कर रहे होंगे? सच कुछ मैंने अलग तो नहीं करा, बस वही है कि मैं लगा रहा, डेडिकेटेडली करता रहा, ठीक है, और उसके अलावा ये था कि मतलब मैंने बार बार रिवाइज़ करा, जो मेरा मटेरियल था उसको मैंने रिवाइज़ करा, और एक स्ट्रैटेजी थी उस पर मैं स्टिक करके रहा कि मतलब मेरे को ऑप्शनल अपना थोड़ा ठीक से करना था, ऐसे ठीक करना था, और उसके अलावा एथिक्स, तो ये मेरे बेस था, और उसके अलावा तो बस ठीक है। ओके सर, थोड़ा रिसोर्सेज के बारे में बताइए, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए प्रिपरेशन के लिए? किसके मेंस से रिलेटेड बता दूँ? प्रीलिम्स या मेंस दोनों, ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए देखिए एक तो पॉलिटी है, उसके लिए लोग लक्ष्मीकांत बोलते हैं, लेकिन एक बुक मतलब 11th और 12th की NCERT वो बहुत हेल्पफुल है, उसको अगर आप क्विकली एक बार या दो बार रीड कर लेते हैं तो उससे आपका बहुत मदद होगा। और मेरे को जो राज तनिल मैम के ज्योग्राफी के हैं ना नोट्स, और जो उन्होंने वीडियोज़ डाली हुई है मृणाल सर की साइट पर, उनसे बहुत मदद मिली। इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के जो होते हैं लेक्चर्स, वो बहुत अच्छे थे, मतलब उससे मेरा काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए, और उससे ना थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने में भी ईजी हो जाता है, राइट। तो ये इको का हो गया, और उसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए एक मेरे लेवल अप के मैंने क्लासेस ली थी, लेवल अप का ना उसके अंदर उन्होंने साइंस एंड टेक बहुत अच्छा कवर किया था, और इस बार क्वेश्चन बहुत सारे आए लेवल अप से, मतलब उनके नोट्स से, तो दैट हेल्प मी अलॉट। एंड अदर देन दैट विच सब्जेक्ट इज देयर, आपका हिस्ट्री तो रहता ही है, हिस्ट्री में भी ना मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पे मैंने जोर करा था, मेरे को एंशियंट और मिडिवल उतना अच्छा नहीं लगता, बट आजकल पूछ रहे हैं ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो और थोड़ा पढ़ लीजिए NCERT पढ़ लीजिए, मैंने NCERT तो पढ़ ली थी 6th-7th की, तो ये मेरा प्रीलिम्स के लिए हो गया बेसिकली, और एक सुनिया ये इसका मैंने करंट अफेयर्स का किया था, तो दिस इज़ फॉर प्रीलिम्स। फॉर मेंस उसके लिए काफ़ी डाइवर्स थे मेरे सोर्स ना टू बी ऑनेस्ट, जैसे ज्योग्राफी के लिए तो वही राज तनिल मैम के नोट्स हो गए, ठीक है, और उसके अलावा आपका हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था, हिस्ट्री के लिए विजन की ना कुछ फ्री वीडियोज़ मेरे को मिल गई थी, तो मैंने उन्हीं के नोट्स बना लिए, क्योंकि हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो उसको मैंने बना के एक बार वो जो तमिलनाडु की NCERT होती है ना, उसको मैंने तमिलनाडु की बुक होती है, तमिलनाडु NCERT
की बुक होती है 11th की, वो मैंने पढ़ ली थी, तो उतना मेरा उससे हो गया था, ठीक है, ये हिस्ट्री हो गया। और उसके अलावा आपका क्या बचा? उसके अलावा ज्योग्राफी तो मैंने बताई थी आपको, एंड सोसाइटी के लिए ओनली आई एस के मेरे को जो था उन्होंने काफ़ी क्रिस्प उन्होंने बता रखा था, और विजन का भी अच्छा है, लेकिन इतना ना पेपर से पहले टाइम होता नहीं है रिवाइज करने का, तो ओनली आई एस का मटेरियल हेल्प मी। पेपर टू बताऊँ, पेपर टू में पॉलिटी के लिए तो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, उसके लिए मैंने हर टॉपिक के लिए जो जो लिखा है उसके लिए प्रॉपरली अपने नोट्स बनाए थे। आईआर के लिए भी मेरे को फोरम आईएएस के नोट्स ने काफ़ी हेल्प करी थी, करंट अफेयर्स के नोट्स, क्योंकि आईआर में दे यूजुअली आस्क अबाउट करंट अफेयर्स, एंड सोशल इशूज़ के लिए भी ओनली आईएएस का मटेरियल हेल्प मी, एंड मेरा ऑप्शनल भी सोशोलॉजी था तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया नहीं। जीएस 3 के लिए इको के लिए आई मेड प्रॉपर नोट्स, एक तो विजन का मटेरियल आपको उसमें हेल्प करेगा जहाँ पर भी नोट्स बनाए आपने, और फॉरम का नोट्स भी आपको हेल्प करेंगे, एंड उसके अलावा आपका साइंस एंड टेक के लिए भाई मैंने लेवल अप को एक बार रिवाइज करा, और किसी टॉपर के भी मैंने एक दो नोट्स थोड़े देख लिए थे। और क्या बचा आपका? और हाँ वो कौन सा बचा, इंटरनल सिक्योरिटी भी आता है इसमें। हाँ तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने ना विजन आई एस का मटेरियल एक बार रेफर किया था, बट वो भी बहुत बड़ा था, तो मैंने फिर इसके वो उनकी मैगजीन आती है अपना विजन की करंट अफेयर की, तो उसी को ही मैंने लास्ट में क्विकली बस गो थ्रू किया, ठीक है। तो अब जी एस 4 के लिए एक बुक मैंने बालाजी सर की बुक है उसको रेफर किया, बस दैट्स इट। ओके, सो आपने बताया था कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो सच में सर जैसे कि स्टूडेंट इसलिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि बेस अच्छा हो जाएगा, क्या क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं यूपीएससी में एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी बर्थ है? बर्थ तो है, मतलब बेस तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है उन लोगों ने ना कंसेप्ट को, तो समझ आ जाती है आपको चीज़ें, तो ये हो जाता है कि ठीक है, मतलब पढ़ने में और चीज़ें कम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, लेकिन उस पर स्टिक नहीं करके रहना होता है, क्योंकि एक लेवल ना ऊपर पूछा जाता है, एक दो लेवल ऊपर पूछी जाती हैं चीज़ें, इवन प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें से, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ही चेक करते हैं यूपीएससी, तो देखा है ना क्वेश्चन से। ओके, सो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे नए स्टूडेंट्स? यही बोलूँगा कि यार लगे रहो, डेडिकेटेडली मेहनत करो और कंसंट्रेटेड रहो, मतलब बहुत ज़्यादा डेविएट मत हो। एक एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ रहे हो तो नो अपना रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों आपने शुरू की अपनी जर्नी, उसको आप अपने सामने लिख लो, मन में अपना बिठा लो, बस उतना रहना चाहिए, उसके बाद आप लगे रहोगे, चाहे फोर्थ में क्लियर हो, चाहे सिक्स में, चाहे किसी भी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट।